बिहार की सियासत में 2024 लोकसभा चुनाव होने के लिए अभी से शहमात का खेल चालू हो गया है। पिछले दिनों उपचुनाव के आए नतीजों ने बीजेपी का मनोबल बेशक बढ़ा दिया है, लेकिन बड़े चेहरे की कमी अभी भी नजर आ रही है। मीडिया खबरों के अनुसार बीजेपी ने उपचुनाव में प्लान सी के तहत जीत दर्ज करी है। प्लान सी का मतलब है चिराग पासवान। तो वहीं ये नीतीश और तेजस्वी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस जीत के बाद चिराग पासवान का कद एनडीए बढ़ा सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी की जीत से ज्यादा बिहार में चिराग पासवान की क्यों हो रही है चर्चा। बीजेपी की जीत के बाद चिराग क्यों है चर्चा में। बिहार के उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यदि अंत में चिराग पासवान रोड शो नहीं करते तो गाड़ी फंस सकती थी, क्योंकि गोपालगंज बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहां बीजेपी ने मात्र 2000 वोटों से जीत दर्ज करी है, क्योंकि जो पासवान जाति का वोट था वो चिराग की थैली से पहले आरजेडी की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी बीच अंत में बीजेपी चिराग का रोड शो कराकर अपने पक्ष में कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोपालगंज में चिराग पासवान ने रोड शो कर पूरा माहौल ही बदल दिया, जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली है। मोकामा में चिराग का कमाल। केवल गोपालगंज में ही नहीं, चिराग का कमाल तो मोकामा में भी देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने वहां पर भी रोड शो किया था। लगभग 27 साल बाद मोकामा विधानसभा सीट से बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को उनके घर पर चुनौती दे रही थी। ऐसे में मोकामा जैसी सीट पर उसे लगभग 63,000 वोट आए। मोकामा में पहली दफे चुनाव लड़ रही बीजेपी 63,000 वोट लाकर अपनी जीत बता रही है और महागठबंधन सरकार की हार। बीजेपी को क्यों जरूरत है चिराग पासवान की। बिहार उपचुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी को बिहार में चिराग जैसा एक और साथी चाहिए। बीजेपी को अगर बिहार में 2024 में फतह करना है तो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना ही होगा। बिहार में फिलहाल एक दो ही ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी से तालमेल कर सकती हैं। महागठबंधन में शामिल जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम, माले, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। ये तमाम पार्टियां बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। ऐसे में बीजेपी के पास केवल दो ही विकल्प है, एक तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और दूसरी पार्टी उनके पशुपति पारस की है। ये दोनों ही पार्टियां पासवान जाति की राजनीति करती हैं। तो ये थी बिहार के उपचुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।